ब्रदर्स बर्थडे है, एंजॉय करने दो। किस तरह का आज का दिन गया, क्या कुछ सरप्राइज, क्या कुछ विशेस आपको मिली? आई थिंक मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ और 6 बजे मैं शूट पे गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जन्मदिन के दिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो आई लव दैट थिंग। तो मेरा दिन शुरू बहुत अच्छा हुआ काम करते हुए और मैं हमेशा यही मनाता हूँ कि मैं ऐसे काम करता रहूँ अच्छा और आप सबको एंटरटेन करता रहूँ। तो मेरा दिन शुरू तो अच्छा हुआ। और रही बात सरप्राइजेस की, तो जो यू नो 12 बजे सब दोस्त आते हैं और सरप्राइज देते हैं आपको, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। तो वो हमारे सारे दोस्तों ने किया हम दोनों के साथ, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मोमेंट था एंड हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आपकी मम्मी भाई हमेशा आपके साथ रहते हैं, उन्होंने क्या सरप्राइज दिया आज? इस वाले में तो मैं शादी था, मतलब इतना साथ था कि बर्थडे भी शादी था, तो हम दोनों एक साथ में ही सरप्राइजेज सारे मिल रहे थे और एक्सेप्ट कर रहे थे। और मैं कहूँगा कि मतलब ये जो दिन होता है इतनी अच्छी खुशी मिलती है, क्योंकि जितने हमारे प्यार करने वाले होते हैं और जो खास दोस्त होते हैं वो सब आके इस दिन को इतना खास और इतना स्पेशल बना दिए हैं कि लाइक आई एम स्टिल इन टू दैट मूड ओनली रियली। मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं होती बर्थडे की, एंड देन एक दिन पहले जो सारे दोस्त मिलके प्लानिंग करते हैं, सरप्राइज प्लान करते हैं, वो पूरा दिन बना देता है, पूरा बर्थडे अच्छा बना देता है। एंड सिद्धार्थ, हाल ही में सोशल मीडिया में एक और प्रोजेक्ट की आपने अनाउंसमेंट की सलमान सर के साथ, क्या कहना चाहोगे, किस तरह? आई थिंक इस साल का मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट यही मिला है दैट आई एम डूइंग अ फिल्म विद सलमान सर। एंड और अभी हमने हाल ही में टाइटल भी लॉन्च कर लिया है, किसी का भाई किसी की जान, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कि सब लोग पूछते रहते थे ये बाल क्यों बढ़ा रहा, मैम बता क्यों नहीं रही, आंटी बता क्यों नहीं रही, तो फाइनली पता चल गया है ना कि क्यों बढ़ा रहा था बाल, क्योंकि उसका ये लुक है। इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे, लोकल जंक्शन काफी अमेजिंग प्लेस है ये, इस बारे में? नो डाउट ये जो प्लेस है ये बहुत अच्छी जगह पे है, इतना स्पेशियस एरिया है यहाँ पे, एकदम खुला भी है और अभी अंदर भी इन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया है, ये पूरा बर्थडे इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे लिए अरेंज किया है, सो वी आर रियली हैप्पी एंड बस देखते हैं अभी क्या धमाल मचाने हैं। आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, पर किसको अगर लाना हो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, किसको किसको लेके आओ यहाँ पे? जो रेडी हो जाए उसको लेके आ जाऊंगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया में किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं जब से आपने अनाउंसमेंट किया है? आई थिंक सिर्फ अनाउंसमेंट ही हमने किया है और एक इतना क्रेज आ चुका है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं और सलमान सर हैं गाइस, तो मतलब सलमान सर जब कुछ भी अनाउंस करते हैं तो एकदम यू नो ऐसा क्या कहते हैं उसको, आग लगा देते हैं, सैलाब आता है लोगों का, इतनी उनको लेके इतनी यू नो क्रेजीनेस है, उनके इतने अच्छे से फैंस हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं उनके साथ मूवी कर रहा हूँ और बस मैं चाहूँगा कि ये मूवी अच्छे से आप लोग भी देखें जब भी रिलीज हो, ढेर सारा प्यार। हाँ हाँ बोलो ना, शूट करके आए उन्होंने, विश किया, बहुत अच्छा विश किया और बहुत अच्छी अच्छी सीख भी। भाई आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी होती है हमारा जब भाई इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, सलमान सर जो काफ़ी अपने हाथ में एक लेजेंड एक्टर है, उनके साथ स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, आप किस तरह से भाई को क्या कहना चाहेंगे? मतलब सिद्धार्थ मेरा भाई भी है और मेरी जान भी है, तो मतलब जो इसकी टाइटल है ना फिल्म की बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि वो जो भाई जान है वो मेरा सच में मेरा भाई जान है, बिकॉज वो मेरा भाई और जान दोनों है।
तो अभी बर्थडे भी हमारा साथ में है और उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इज डूइंग अ फिल्म और आगे आने वाली भी बहुत बड़े बड़े धमाके करने वाला है। सो मेरी तो हमेशा से आशीर्वाद इसके साथ ही है और हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट रहता है सिद्धार्थ को। मैं भी मतलब ऐसा है ना कि अब कैसे बता दूँ, जल्दी आएगा, बहुत जल्द बहुत जल्द बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, बस जल्दी आ रहे हैं। नहीं नहीं कुछ अच्छा लाएंगे ना यार, अभी आप भी थोड़ा वेट करो ना, चीज और बड़ी चीज बनने में टाइम लगता है। हाँ। तो सब्र करिए, सब्र, ये देखो सब एग्जांपल अभी साथ में है, मैंने भी बहुत सब्र किया। इसके अलावा सुनने में शहनाज भी है, कुछ कहना चाहोगे? अभी तो देखिए जब सलमान सर ने टाइटल अनाउंसमेंट डाला सबको उन्होंने टैग किया, तो अभी आपको पता ही चल जाए कौन कौन है फिल्म में। तो हाँ सब लोग हैं, राघव भाई हैं, जस्सीपा जी हैं, शहनाज है, वनाली है, पूजा मैम, एवरी वन इज देयर इन द फिल्म। एंड भी बहुत अच्छी अच्छी कास्ट है जो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, आप लोग खुद ही देख लेंगे। एंड आई डोंट वांट टू यू नो टेल एनीथिंग राइट नाउ, मैं चाहता हूँ कि धीमे धीमे आए और आप उन सारे धीमे धीमे चीज़ों को इन्जॉय करें और हमें सपोर्ट करें। चालू है, चल रही है, चालू तो कब से हुआ है शूट, अभी चल रही है, बताएंगे बताएंगे सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाती हैं। राघव भाई से सिर्फ डांसिंग टिप्स नहीं, बहुत सारी टिप्स मिलते रहती हैं और सेट पे भी मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं, एकदम बड़े भाई जैसा। और ये फिल्म में ही हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप लोगों को दिखेगी फिल्म में। लास्टली सिद्धार्थ, फैंस को क्या एक संदेश देना चाहोगे आज के दिन? आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे में मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स आके मुझे यू नो सरप्राइज देते हैं और मेरी मम्मी, मेरे भाई, ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग मुझे बर्थडे में बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। बट मेरे जो फैंस हैं जो मेरे से आई थिंक थोड़ा दूर है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया वो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे दिल में हैं, और वो मेरे लिए इतने सारे अच्छे अच्छे एडिट्स बनाते हैं, इतने अच्छे सरप्राइजेस देते हैं और इतने अच्छे अच्छे वो मेरे बर्थडे के दिन बहुत अच्छे अच्छे वो इनिशिएटिव्स करते हैं। जैसे कि उन्होंने इस बार प्लांट्स लगाए, जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने खाना खिलाया और बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं मेरे फैंस। तो मुझे ये चीज़ रियली बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि मेरे जो सिद्धार्थियंस हैं वो इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सिद्धार्थियंस एंड आई लव माई सिद्धार्थियंस एंड आई लव माई फैंस, माई वेल विशर्स, माई सपोर्टर्स। आप लोग इस तरह प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग। अभी आ रहे हैं सब दिखने में।